स्वागत दोस्तों तुहाडा अपना सांझा पंजाब टीवी ते मैं हाँ भुपिंदर सिंह सज्जन। दोस्तों पुलिस दे वल्लों एक कहानी जिहड़ी है बिल्कुल पुलिस दे कहण मुताबक सच्ची है, अखबारां दे विच छपी है, मैं तुहाडे नाल सांझी करनी चाहूँगा। ये कहानी किन्नी सच्ची है इहदा फैसला ते कोर्ट दे विच जाके होएगा, जदों कोर्ट दे विच केस चलूंगा उस तों बाद कोर्ट ने फैसला करना है इहदे विच किन्नी सच्चाई है। पर यह जिहड़ी कहानी हैगी है दोस्तों मैं तुहाडे नाल जरूर 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 सांझी करनी चाहूँगा, खास करके जिहड़े साडी नवी पीढ़ी के नौजवान मुंडे कुड़ियां ने, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम की गल है, खास करके जिहड़े सोशल मीडिया की वरतों करते हैं। जो असी सोशल मीडिया की वरतों करद्या 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 कई बार असी दुरवरतों भी करते हैं, कई बार असी फेसबुक के उपर वट्सएप के उपर जां होर जिहड़ियां साइट्स हैगियां ने असी उत्थे जा के ऐप्स हैगियां ने असी उत्थे जा के उन्हां लोकां दे नाल गल्लां बातां करदे आ जिहड़े लोग सानू जाणदे नहीं, जिन्हां नूं असी नहीं जाणदे हैगे, जिन्हां बारे सानू पता ही नहीं हैगा वी कौन ने। सिर्फ दोस्ती होंदी है उत्थे, फ्रेंडशिप होंदी है, चाहे मुंडा या कुड़ी है, उस तो बाद फिर साडियां गल्लां दा सिलसिला शुरू हो जांदा, असी यकीन कर लैंदे आ कि जिहदे नाल मैं गल्लां मार रहा ना वह तो फलाना है तो जां फलानी है, सो अंदाजा ला लैंदे आ, पर पता नहीं हैगा वी उह कौन है। सो उन्हां लोकां दे वास्ते बड़ी ही सेध देण वाली इह कहानी हैगी है जिहड़ी इक पुलिस ने मामला दर्ज किया हैगा। वह मैं कहानी लफ्ज़ इस करके वरत रहा क्योंकि कोर्ट के जाके इस गल का पता लगना हैगा भी ये किन्नी क सच्ची है तो किन्नी क झूठी है, पर साडे सारे दे वास्ते तुहाडे सारे दे वास्ते बड़ी ही सेध लैण वाली है सारी गलबात। मैं तुहानूं खबर पढ़ के सुना दिंदा जी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI नूं भारतीय फौज अते पठानकोट एयरबेस दीआं खुफिया जानकारियां देण वाले भारतीय मूल दे जसूस मनदीप सिंह नूं अज स्टेट ऑपरेशन सैल ने एक सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान गिरफ़्तार किया है। 35 वरिया का मनदीप सिंह ISI एजेंट नेहा सिंह दे नाल, नेहा सिंह कुड़ी का नाम है जी, नेहा सिंह दे नाल हनी ट्रैप दे विच फसिया होया सीगा ते सोशल मीडिया दे राही उहनू फौज दीआं खुफिया जानकारियां पहुँचा रहा सीगा। पिछले करीब एक साल तो ISI एजेंट नेहा सिंह ने मनदीप सिंह नूं इस कदर अपने प्यार विच फसा रख्या सीगा कि वह पैसों के बदले देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर अपना ईमान बेच रहा सीगा। नेहा सिंह ने खुद नूं बेंगलौर विच एक IT प्रोफेशनल दस्या होया सीगा ते वह लगातार भारती अते US के नंबर तो वो संपर्क में रह रही थी, जिदा भारत के नंबर होने के नाल US या USA के नंबर ला लो उतों के नंबर जोड़े है उन्होंने नंबर के राही इस नौजवान के नाल संपर्क में सी। 4 दिन पहला स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल ने एक सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज के IT सैल में तैनात कुणाल कुमार शारिया फिरोजपुर कैंट तो गिरफ़्तार किया, जो कि पाकिस्तान दिया खुफिया एजेंसी ISI के तैनात औरत अधिकारी सादरा खान हनी ट्रैप दे विच फस के फिरोजपुर छावनी च हो रही फौज की हर खुफिया जानकारी उन्हों भेज रहा सीगा। कुणाल SSOC कोल पुलिस रिमांड ते चल रहा है, जदों कि इस दौरान अज पठानकोट स्थित एक क्रैशर ते लगे हुए मनदीप सिंह नूं गिरफ़्तार किया गया। सो ISI एजेंट नेहा नूं गिरफ़्तार किए गए जसूस मनदीप सिंह ने भारत तो एक वट्सएप नंबर भी मुहैया करवाया सीगा जिदे ते दोनों जने आपस में संपर्क में सगे। गिरफ़्तार किया गया जसूस मनदीप सिंह पठानकोट छावनी के नेड़े स्थित एक क्रैशर से नौकरी कर रहा, जिथों वह छावनी के संवेदनशील इलाकों पर नज़र रख रहा सीगा। मनदीप की फेसबुक पर पाकिस्तान इंटैलीजेंस अधिकारी नेहा सिंह दे नाल दोस्ती हुई सी, जिस तों बाद वह दोनों जने आपस में जानकारियां शेयर कर लग पे। शुरुआती जांच के दौरान मनदीप के फोन तो बहुत सारे इदां दे दस्तावेज और तस्वीर रिकवर कीतियां गईयां ने जिन्हां नूं ओह नेहा सिंह नूं भेज चुकिया सीगा। स्पैशल ऑपरेशन सैल ने मनदीप दे खिलाफ धारा 3, 4, 5, 9 सो ये जिहड़ी धारावां हैगियां ने लगा के जी एक FIR जिहड़ी है वह दर्ज कर ली हैगी है ते केस बन गया जी। हुण कोर्ट दे विच जदों इह केस जाऊंगा तो उत्थे जाके फैसला होगा कि इस सारी गल दे विच किन्नी क सच्चाई हैगी है। पर जिहड़ी साडे काम की गल हैगी आ जां जिहड़े साडे नौजवान मुंडे कुड़ियां दे काम की गल है, मैनूं लगदा कि जिथे मैं शुरू कीती सी गल उत्थे समाप्त कर दिंदे आ। गल साडे सारयां दे काम की इह आ कि जिन्हां नूं आपां जाणदे ही नहीं हैगे आपां उहनां दे नाल जदों फोन दे उपर वट्सएप दे उपर फेसबुक दे उपर दोस्ती करके चैट करदे आ ना, उस तो बाद फिर सानूं पता ही नहीं लगता भी आपां उहदे नाल किहदे नाल की गलबात कर रहे हैं, किहदे नाल किद्दां दीआं गल्लां सांझीआं कर रहे हैं। हो सकता वैसे ही गल्लां सांझीआं करी जांदा होवे, हाँ मैं इत्थे रहिंदा हैगा, इत्थे आह कुछ हैगा, इत्थे फलाना हैगा, इत्थे धमकाना हैगा, साडे इत्थे इलाके विच आह हुंदा उह हुंदा हैगा। पर हुण जो भी हैगा हुण उह गिरफ़्तार हो गया ना, हुण भावें उदां ही गल्लां कीतीआं होण सह सुभाई
ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟਮਕਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸੜਕ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਹ ਰਾਹ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਰਾਹ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ, ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀਗੀ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਰਲ ਫਰੈਂਡ ਵਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪਊਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੜੀ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਆਈ ਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।